जय जिनेन्द्र फ्रेंड्स, मैं डेजी जैन अपने यूट्यूब चैनल डेजीज मैजिक फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्दियों की बहार आ गई है, तो ऐसा मौसम आने के साथ ही साग और मक्की की बहार भी साथ ही आ जाती है। जैसे कि साग और मक्की की रोटी के साथ गाजर मूली अदरक का अचार ना हो तो स्वाद थोड़ा फीका सा लगता है, तो आज हम वही इंस्टेंट अचार बनाने वाले हैं। गाजर मूली अदरक और हरी मिर्च का बहुत ही इंस्टेंट अचार बनाएंगे और इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, एक बात जरूर कहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और जरूर लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। साबुत धनिया, लौंग, राई, पीली सरसों, सौंफ और जीरा। तो इन सभी को हम एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसकी जो नमी है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पीसे जाएं। तो लीजिए, हमने इसे 2 मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे। अब ये देखिए, ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें हम डालेंगे ये सारा इंग्रेडिएंट्स जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुके हैं। इन सभी को अब हम ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं पोर करती जा रही हूँ। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमें थोड़ा दरदरा इस तरह से करना है, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। एक कढ़ाई में यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। जी हाँ, इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसे अच्छी तरह से हीट कर लेंगे इस तेल को और फिर इसमें डालेंगे, सबसे पहले हींग डालेंगे। जैसे ही हींग अच्छी तरह से भुन जाएगी इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ काफ़ी सारी हरी मिर्चें ली हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा सा करारा बनाना है। और इसी के साथ जो मैंने गाजर है उसे लंबा लंबा कट किया है, मूली को भी लंबा लंबा कट किया है, अदरक को भी इसी के साथ ही लंबा लंबा कट कर कर मैंने डाल दिया है। अब इस तेल में इसे अच्छी तरह से हमें हल्का सा पकाना है, बिल्कुल इसे गलाना नहीं है फ्रेंड्स, इसको हल्का सा हमें पकाना है ताकि इसके अंदर की नमी भी जो है ख़त्म हो जाए और हमारा जो अचार है ना वो ज़्यादा टाइम तक स्टे कर पाए। तो लीजिए, अब इसे हल्का सा पकाने के बाद जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था उसे हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो देखिए, मसाले का कलर भी कितना अच्छा आया था क्योंकि हमने इसे पहले ही रोस्ट कर लिया था। अब हम इस मसाले को इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना कलरफुल सा अचार है, मूली, गाजर, अदरक, हरी मिर्ची। तो ये अचार जो है साग और मक्की की रोटी के साथ स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है, इन्हेंस करता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का और उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। हल्दी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। जी हाँ, ये जो रेड चिली हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये हम देगी मिर्च लेंगे क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा कलर देना है, राइट। तो मिर्च के लिए तो हमने ऑलरेडी हरी मिर्च डाली ही हुई है फ्रेंड्स इसमें, तो हम इसमें यूज़ करेंगे देगी मिर्च जो कि एक अच्छा सा कलर इसमें लाएगी। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी जो हमने ली थी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे जो कि इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगी और इसके जो कलर है उसको भी इन्हेंस करेगी। कलौंजी के बिना तो अचार अधूरा सा ही रहता है फ्रेंड्स।
तो लीजिए कलौंजी के साथ हमारा ये अचार रेडी है। इसे जस्ट तेल में हमें 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ऑयल में ये पक रहा है, और सरसों का तेल है जो कि बॉडी के लिए भी हेल्दी है। तो इसे हम पका रहे हैं। अब हम जैसे ही ये पक जाता है इसमें हम डालने जा रहे हैं विनेगर। जी हाँ, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर विनेगर डाला है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अचार जो है ज़्यादा दिनों तक स्टे कर पाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा कलर, और अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम भी हमने ऑफ कर दी थी। इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर करने के बाद एक कांच के कंटेनर में पोर करेंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक के, अच्छे प्लास्टिक के कंटेनर में भी पोर कर सकते हैं। उसे एक बार पहले उस बर्तन को धूप ज़रूर लगवाइए, उसमें नमी ना हो इस बात को ध्यान में रखें। तो हम इसमें अपना अचार जो हमने बनाया है पोर करेंगे। कितना खूबसूरत कलर फ्रेंड्स इसका आया है, मूली, गाजर, अदरक और हरी मिर्च, और इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा है जितना कि इसका कलर अच्छा है। ये देखिए कलौंजी इसमें कितनी प्यारी सी लग रही है, बहुत ही सुंदर, और जो चीज़ सुंदर लगे ना तो खाने का भी मन करता है। तो देखिए हमारा अचार जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मैंने इसे एक कंटेनर में भी पोर कर लिया। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा मिक्स वेज अचार। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर